हमने ये सोचा है कि जो गरीबों को एक जो है ना ईद का एक गिफ्ट जो है ना वो दिया जाए। मेरे भाई शुएब तारड़ जो हर साल ये गरीबों के लिए स्पेशल ईद गिफ्ट देते हैं। जब भी ईद गिफ्ट देते हैं तो हम आईडी कार्ड की कॉपी वगैरह नहीं लेते। शुएब साहब बड़ा अच्छा उन्होंने इकदम है कर रहे ने, जिहड़ा ईद गिफ्ट गरीबां वास्ते उन्होंने पैकेज तैयार किया है, हर साल तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्टोरी पॉइंट डिजिटल और मेरा नाम है मिर्ज़ा अवैस बेग। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक बरकतों और रहमतों का महीना है। इस महीने में अल्लाह ताला की ज़ात इंसान का रिज़्क बढ़ा देती है और इसको मद्देनज़र रखते हुए मुहैयर हज़रात गरीबों और मस्कीनों की बढ़ चढ़ कर मदद करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेरा ताड़ा कुंजा पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि समाजी शख्सियत चौधरी शुएब अरशद तारड़ की तरफ से एक खूबसूरत ईद गिफ्ट पैकेज जो है वो तैयार किया गया है। ये अपनी नौयत का एक मुनफरद पैकेज जो है वो तैयार किया गया है, जो कि इनके इलाका भर के मुस्तहिक अफराद में बांटा जाएगा। इस ईद पैकेज का मकसद क्या है और ये कितने बॉक्सेज हैं, इन बॉक्सेज में क्या क्या रखा गया है और ये आइडिया किस तरह जो है वो शुएब अरशद तारड़ की तरफ से आया, ये इनके भाई और इनके कज़न से जानेंगे। लेकिन शुएब अरशद तारड़ के हवाले से अगर आपको मैं बताता चलूं तो वो अरसा दराज से ये फलाही काम बढ़ चढ़ कर कर रहे हैं और हर साल ईद गिफ्ट जो है वो अपने इलाके के लोगों के लिए लेकर आते हैं और उनके साथ ईद की खुशियों में शामिल होते हैं। और हमेशा की तरह उनका यही मोटो रहा है कि वो ईद गिफ्ट तैयार करके लोगों की खुशियों में शामिल होते रहें। तो बात करते हैं चौधरी शुएब अरशद तारड़ के भाई चौधरी फैसल अरशद तारड़ से, जो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि ये आइडिया इनके माइंड में कैसे आया और बड़ा ही खूबसूरत किस्म का जो है वो इन्होंने बॉक्सेस तैयार किए हैं। फैसल भाई, ईद गिफ्ट में क्या क्या आप लेकर आए हैं और हर साल जो है वो एक मुनफरद रवायत अपनाते हैं, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरे भाई शुएब तारड़ जो हर साल ये गरीबों के लिए स्पेशल ईद गिफ्ट पैकेज जो देते हैं, ये ख़ासकर गरीबों के लिए। और ये हम सबसे पहले ये है कि हम जब भी ईद गिफ्ट देते हैं तो हम किसी के मतलब ये जो आईडी कार्ड की कॉपी वगैरह नहीं लेते, हम उनको जो है ना उनके घरों तक जो पहुंचाते हैं। आपने बॉक्सेस तैयार किए हैं, इन पर आपने शुएब साहब की जो है वो तस्वीर भी लगा रखी है, और ये बताइएगा कि ये आइडिया आपके माइंड में कैसे आया कि इस मुनफरद अंदाज़ में आपने ईद गिफ्ट पैकेज तैयार किया? हमने ये सोचा है कि जो गरीबों को एक जो है ना ईद का एक गिफ्ट जो है ना वो दिया जाए और इसमें उनके जो इज़्ज़त का भी ख्याल रखा जाए। और हम जो जितना भी करते हैं ये सब अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करते हैं। फ्यूचर में आपका क्या प्लान है? आइंदा भी हमारा यही प्लान है कि हर साल ये जो है ना इसको बढ़ चढ़ कर करेंगे और काफ़ी अरसे से हर रमज़ान और मुबारक में जो मेरे भाई शुएब तारड़ साहब हैं वो हर साल करते हैं और हमें जो है दिली खुशी होती है कि अपनी ईद की खुशियों में गरीबों को जो है वो भी ईद की खुशियों में शामिल करें और फिर उसके बाद ही जो है ना असल हकीकी सुकून मिलता है। शुएब अरशद तारड़ के कज़न नवीद अफजल भी हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद साहब, आपके कज़न शुएब अरशद तारड़ साहब बड़े अरसे से ये फलाही काम गैर सियासी होकर कर रहे हैं, इस हवाले से आपका क्या कहना है? साडा जिहड़े ने भाई हरी शुएब साहब बड़ा अच्छा उन्होंने इकदम है कर रहे ने, जिहड़ा ईद गिफ्ट गरीबों वास्ते उन्होंने पैकेज तैयार किया है, हर साल तैयार करते हैं। इंदा भी साड़ी यही भाई हर की कोशिश है भी इहदे नूं बेहतर बढ़ चढ़ के ना इस हाले आ जाए, तो बड़ा असीं उन्होंने दात देने, बड़ा अच्छा इकदम है उन्होंने जिहड़ा है ना भाई, गरीब भी साढ़े जिहड़े ने ईद दी खुशियां शामिल हो जाए। हाज़रीन, हकूक अल्लाह के बाद हकूकुल इबाद भी एक ऐसी इबादत है जिसे करने के बाद दिली सुकून हासिल किया जा सकता है। इसी के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा अवैस बेग को इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।